तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट वेस्टइंडीज ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को टेस्ट सीरीज की मेजबानी की पेशकश कर दी है, जिसके तहत वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की सीरीज इंग्लैंड के बजाय वेस्टइंडीज में खेली जा सकती है, जबकि इंग्लिश टीम की पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज का भी कैरेबियन सरजमीन पर मुंतकली का इम्कान पैदा हो गए हैं। वाज़ेह रहे कि वेस्ट इंडियन टीम को रवा बरस 4 जून से ऑल में 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करना है, लेकिन कोरोना वायरस के बरतानिया में फैलाव के बाइस मुमकिन नहीं कि इस सीरीज का बरवक्त इनेकाद मुमकिन हो सके, क्योंकि इम्कान है कि इंग्लिश सीजन के आगाज में भी ताखिर हो जाएगी। लिहाजा ये सीरीज या तो सितंबर तक मुखर कर दी जाएगी, वरना इसे वेस्टइंडीज मुंतकिल करना पड़ेगा। जराय का कहना है कि ईसीबी और क्रिकेट वेस्टइंडीज के दरमियान हालिया अरसे में इस बाबत कई बार गुफ्तगू शनीद हुई, जिसमें दोनों ऑप्शन जेर गौर आए, जबकि वेस्ट इंडियन हकाम ने 30 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू होने वाली पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज की मेजबानी में भी दिलचस्पी जाहिर की है। जराय का कहना है कि कोरोना वायरस के असरात वेस्टइंडीज में भी मौजूद हैं, लेकिन उनका फैलाव इंग्लैंड जैसा नहीं, क्योंकि बारबाडोस, सेंट लुसिया और एंटीगा में मजमूई तौर पर 5 अफराद में वायरस की तस्दीक हो सकी है। क्रिकेट वेस्टइंडीज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जानी ग्रीव के मुताबिक उनकी ईसीबी हकाम से मुतादिद बार गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने सीरीज के कामयाबी के साथ इनेकाद की भरपूर यकीन दिहानी कराई है। तो भैया ये थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के हवाले से कुछ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इस अपडेट के मुताबिक अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।